नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूँ श्वेता सिंह। आज की खबरदार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे से, जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध से पैदा हुई विषम परिस्थितियों के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा है। इससे पहले विरोध प्रदर्शनों के कारण पीएम मोदी को अपने कई असम दौरे रद्द करने पड़े थे। पीएम मोदी का यह असम दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि बोडो समझौता होने के बाद पीएम पहली बार असम पहुंचे हैं, जहां बोडो समुदाय ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है। कोकराझार में पीएम मोदी के स्वागत के लिए जमकर तैयारी की गई थी। उनके स्वागत में कोकराझार में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के तहत आने वाले चारों जिलों कोकराझार, बक्सा, उदुलगुड़ी और चिरांग समेत पूरे असम के 4 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी के स्वागत में बोडो समेत कई आदिवासी समुदायों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कुछ दिन पहले तक जो असम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में जल रहा था, आज उसी असम की तस्वीर बदली बदली नजर आई। कोकराझार में लोगों ने सड़कों और गलियों में मिट्टी के लाखों दिए जलाए। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने बाइक रैली निकाली। ये जश्न उस बोडो समझौते के उपलक्ष्य में मनाया गया जिस पर 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर के 2 दिन बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के अलग अलग उग्रवादी गुटों के लगभग 1600 काडर हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए थे। आज हम आपको असम में बोडो समझौते के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे मोदी सरकार असम में शांति स्थापना की दिशा में मील का पत्थर बता रही है। पूर्वोत्तर भारत से आई ये खबर भारत की एकता और अखंडता के लिए मायने रखती है। हम आपको असम में दशकों पुरानी बोडो समस्या का इतिहास भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कोकराझार में पीएम मोदी के रंगारंग स्वागत और उनके भाषण के हाइलाइट्स दिखा देते हैं। इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा है, कई दशकों से रहा है। आज जो उत्साह, जो उमंग आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहां के ओरोनाई और डोखोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रैलियां देखी है, बहुत रैलियों को संबोधित किया, लेकिन जीवन में कभी भी इतना विशाल जनसागर देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी न कभी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है, ये आपके कारण हुआ है। असम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को एक नया विश्वास देने के लिए आया हूं। कल पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से गांव गांव आपने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, पूरे क्षेत्र में दीप दिए जला करके दिवाली मनाई। शायद दिवाली के समय भी इतने दिए जलते होंगे कि नहीं जलते होंगे वो मुझे आश्चर्य होगा। अनेक सालों से असम की जो बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, भटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई हैं।
बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है। 1993 में जो समझौता हुआ था उसके बाद पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं, आपके दुख दर्द, आपके आशा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए इसकी चिंता मैं करूंगा। पूरा आसाम आपके दिलों को जीत लेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना। मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं शांति के लिए, मेरे लिए नहीं शांति के लिए। पीएम मोदी जिसे असम में बोडो समुदाय के विकास की दिशा में मील का पत्थर बता रहे हैं, आखिर वो बोडो समझौता है क्या और इसके पीछे का विवाद क्या है? एक अलग देश की मांग कैसे एक समझौते पर खत्म हुई, इसका जवाब आपको आसान शब्दों में बताते हैं। 27 जनवरी को केंद्र सरकार और असम की बोडो जनजाति के कई अलगाववादी संगठनों के बीच एक समझौता हुआ। इसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन या BTR अकॉर्ड कहा जा रहा है। इस समझौते में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU, यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी UBPO समेत कई अन्य अलगाववादी संगठन शामिल हैं। बोडो समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें तकरीबन उन सभी बोडो गुटों ने केंद्र सरकार से समझौता किया है जो अलग बोडोलैंड के लिए हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। समझौते के तहत उग्रवादी संगठनों ने अलग बोडोलैंड की मांग छोड़ दी है। बदले में सरकार ने बोडो क्षेत्र को पहले से ज्यादा स्वायत्तता देने का वादा किया है। समझौते के अनुसार गृह विभाग को छोड़कर सारे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार BTR के पास रहेंगे। इसके साथ ही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मौजूदा 40 सीटों को बढ़ाकर 60 किया जाएगा और इलाके में कई नए जिलों का गठन होगा। बोडो इलाके के विकास के मैकेनिज्म, बोडो की विभिन्न जनजातियों के विकास और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के प्रयासों पर काम होगा। केंद्र सरकार ने नए समझौते की शर्तों पर अमल करने के लिए अगले 3 सालों में बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के एक पैकेज को मंजूरी दी है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के 2 दिनों में NDFB के विभिन्न गुटों के 1615 से ज्यादा सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए थे और मुख्य धारा में शामिल हो गए थे। तो अब सवाल यह है कि बोडो समझौते का महत्व क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। बोडो असम की सबसे बड़ी जनजाति है जो अपने आप को असम के मूल नागरिक मानते हैं। आंकड़ों के अनुसार असम की कुल जनसंख्या में बोडो समुदाय करीब 5-6% की हिस्सेदारी रखता है। इस समुदाय के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे के जिलों में बसते हैं। असम में 4 जिले बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के तहत आते हैं, कोकराझार, बक्सा, उलगुड़ी और चिरांग। यहाँ कई बोडो जनजातियां बसती हैं। बोडो जनजाति की शिकायत रही है कि उनकी जमीन पर असम के दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश हुई है। इसी शिकायत के साथ बोडो समुदाय असम से अलग बोडोलैंड की मांग करता रहा है। वर्ष 1966-67 में राजनीतिक संगठन प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम यानी PTCA के बैनर तले अलग राज्य बोडोलैंड बनाए जाने की मांग की गई। विरोध को दबाने के लिए सरकार ने PTCA को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। साल 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने अलग बोडोलैंड की मांग को दोबारा हवा दी। तब आबसू के नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने नारा दिया था, डिवाइड असम 50-50 यानी असम को 50-50 में बांटो, आधा आधा बांटो। अक्टूबर 1986 में बोडो सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक उग्रवादी संगठन बनाया गया
जिसने आगे चलकर अपना नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी एनडीएफबी किया। 1990 के दशक में अलग बोडोलैंड की मांग करने वाले बोडो उग्रवादी गुटों से निपटने के लिए सेना को लगाया गया और बोडो उग्रवादियों को असम छोड़कर भूटान जाने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर 2008 में असम में एनडीएफबी के किए बम धमाकों में 90 लोगों की जान चली गई। इन धमाकों के बाद एनडीएफबी दो गुटों में बट गया था। साल 2012 में बोडो मुस्लिम दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई और 5 लाख लोग बेघर हुए। दिसंबर 2014 में बोडो अलगाववादी गुटों ने असम के कोकराझार और सोनितपुर में 30 से अधिक लोगों को मार डाला। असम में अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर हुई हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मोदी सरकार का दावा है कि नए समझौते से असम में हिंसा का दौर पूरी तरह थम जाएगा, लेकिन इस समझौते को लेकर बोडो समुदाय क्या सोचता है और खासकर वो लोग क्या सोचते हैं जिनके अपनों ने अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर हथियार उठाए और जान गंवाई, ये समझने के लिए आपको आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। तिरसठ साल की मीना बासुमतारी के झुर्रियों भरे गालों को भिगोते आंसू। ये उस दर्द का सबब है जिसका कोई अंत नहीं है। मीना का बेटा डोनू तब 27 साल का था जब 2011 में अलग बोडोलैंड की मांग के लिए हुए ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के कार्यक्रम में शामिल होने निकला था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। वो एनडीएफबी में शामिल हो गया और 2014 में सेना के साथ एनकाउंटर में मारा गया। बोडो समझौते की अहमियत मीना से बेहतर और कौन जान सकता है। माबा माबा मुनबाई ना लेखा मुनबाई बैसे माबाफ्रा फौज माबा गावथारफ्रा बहायसो खबर मोनदों जोंनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ जों मोनथियाखिसै। ओजों मिथियाव थांदों नंबाय थांदों नंबाय आनसुलिखौ थादों नंबाय। दोनों का परिवार मोदी सरकार की पहल को एक अच्छी शुरुआत तो मानता है, लेकिन अभी भी असमंजस में है कि अपने परिवार के बेटे की मौत के लिए वो किसे जिम्मेदार ठहराए। हम लोग मन में बहुत दुख हुआ था और जब लाश आया हम सोच रहा था अभी जो ये अभी जो शुद्धि हुआ जो एक होट हुआ था वो पहले से हुआ था तो बहुत अच्छा हो जाता, जो मेरे भाई भी जिंदा हो जाता। बासुमतारी परिवार बोडो समुदाय के उन सैकड़ों परिवारों में से एक है जिनके सदस्यों ने अलग बोडोलैंड के लिए हथियार उठाए, दूसरों की जाने ली और अपनी जान गंवाई, और ये खूनी सिलसिला दशकों तक चलता रहा। लेकिन अब बोडो समुदाय को उम्मीद बंधी है। 1995 में चला गया और 2003 में मर गया। उसके बाद कुछ पता नहीं, मरने के बाद भी उसको लाश मिला है। उसे जिंदा होता तो अब इसे उठाना नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए था। 27 जनवरी को हुआ बोडो समझौता इस मायने में भी बेहद खास है और उम्मीद जताने वाला है कि पहली बार कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसमें बोडो गुटों ने अलग बोडोलैंड की मांग को छोड़ दिया है। इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का बड़ा हाथ है जिसने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। आगे का जो गवर्नमेंट था इसमें हमने जितना अप्रोच उनके पास रखा था वो जैसे इसको देखा उसमें हम लोग कन्विंस नहीं था, इसीलिए हम लोग का जो कोशिश है वो नाकाम रहा। इस बार का गवर्नमेंट जो है इसने एक कमिटमेंट रखा है कि यहाँ पीस लाने का, और मुझे ये लगता है ये गवर्नमेंट एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है इसलिए ये हो पाया है। साल 1966 में अलग बोडोलैंड की मांग उठने से लेकर 5000 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए हैं। अब जो बोडो समझौता हुआ है वो शांति की दिशा में उठाया गया मोदी सरकार का वो कदम है जो बोडो समुदाय को विकास की रोशनी दिखा सकता है। आप सभी के सहयोग से ही स्थायी शांति का, परमानेंट पीस का ये रास्ता निकल पाया है। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है।
आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है। अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। मोदी सरकार ने पहल की और बोडो गुटों ने उस पहल का स्वागत करके जता दिया कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि बोडो समुदाय खुद को छला हुआ महसूस ना करे। पिछले 5 दशकों में असम में न जाने कितनी उग्रवाद और आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं। सैकड़ों लोगों ने अपने अपनों को खोया है और कई परिवारों में तो उनके घर वाले वापस ही नहीं लौटे। अब सिर्फ एक ऐसा इंतजार है जिससे ये विश्वास हो कि शांति की प्रक्रिया शुरू तो हुई है लेकिन कायम भी रहेगी। इलाके में भले ही शांति आ जाए लेकिन इसे विकास के रूप में किस तरह तब्दील किया जाएगा, इसे जमीनी स्तर पर अभी भी देखना बाकी है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोकराझार, असम, आज तक। बोडो समुदाय ने हिंसा का रास्ता छोड़कर देश की मुख्य धारा में जुड़ने का जो फैसला किया है उस फैसले का आधार बोडो समझौता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोडो उग्रवादियों के साथ ये कोई पहला सरकारी समझौता हुआ हो। इससे पहले भी 2 बड़े समझौते हो चुके हैं, 1993 में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल अकॉर्ड और 2003 में बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ हुआ समझौता। लेकिन इस बार के समझौते को मील का पत्थर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक साथ लगभग सभी उग्रवादी संगठनों ने अलग बोडोलैंड की मांग छोड़ने पर सहमति जताई है। उम्मीद है कि यह समझौता कभी नहीं टूटेगा और दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये देश की एकता बढ़ाने वाला फैसला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरदार में अब बात करते हैं डंडामार पॉलिटिक्स की जिसने माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगले 6 से 8 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे पड़ेंगे और आज भी इस बयान पर जमकर राजनीति हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वायनाड में मेडिकल कॉलेज खोलने के राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब देने उठे, लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने राहुल गांधी के बयान की निंदा की तो हंगामा हो गया। Only condemn the behavior of the Congress Party MP. It is highly uncalled for. They tried to come and snatch the paper. If at all anything is wrongly stated, then it is the domain of the Speaker to decide. But like, instead of please, that, please down. trying to come and attack the minister is highly condemnable. And this type of behavior. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th February 2020 at 11 a.m. Only condemn. Sir, please excuse me that before I begin answering this question of dear Shri Rahul Gandhi ji, I want to condemn in no uncertain words the outlandish language that he has used against the Prime Minister of the country. In a recent speech, he used words like, 6 महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश के बाहर कर दे। I am surprised that Mr. Gandhi, your own father, was Prime Minister of India. And I don't think that in the worst of cases our party leaders make such outlandish personal remarks against him, ever threatening that the country's youth will beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the honorable Prime Minister. No. I demand and हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा दोबारा शुरू हुई तो अब की बार बीजेपी के सांसदों ने नारेबाजी की और मणिकम टैगोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी के खिलाफ भी लोकसभा में नारेबाजी हुई। अब बीजेपी राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग कर रही है।
anything if wrongly stated, then it is the domain of the speaker to decide. But instead of that, राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने जवाब के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ाकर अपनी पीठ मजबूत कर लूंगा। लेकिन अब जब लोकसभा में राहुल के बयान पर हंगामा हो गया है तो राहुल कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। गलत सदर सर झूठ था ये। और आज क्वेश्चन आवर में राहुल जी का क्वेश्चन था, लिस्टर था, और राहुल जी वायनाड का मेडिकल कॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसका जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा हुआ कोई किसी और का लिखे हुए पेपर पढ़ रहे थे, उसमें राहुल जी का ऊपर अनाप शराब बात और दिल्ली का राजनीति वाली बात था। हम लोगों ने इसलिए एजिटेट करके वेल में गए थे और स्पीकर से बोले थे उनका रुकवाइए प्लीज़, और वो रोक नहीं रहे थे। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि सर्वथा अनुचित है। और मैं सार्वजनिक तौर पर, अभी तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, मैं सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी जी से ये मांग करता हूँ कि वो अपनी गलती के लिए पश्चाताप करें, और उनका पश्चाताप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांग कर ही हो सकता है। वायनाड की इशू थी, मेडिकल कॉलेज की इशू है, वहाँ के लोगों को कठिनाई हो रही है, मैं उठाना चाह रहा था। नॉर्मली क्वेश्चन में सवाल का जवाब दिया जाता है, मगर शायद हेल्थ मिनिस्टर को किसी और ने बताया होगा, इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वो अपने आप ये नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस थे कि दूसरी इशू उठानी है, तो उन्होंने वो बात उठा दी। सियान पार्लियामेंट्री है, नॉर्मली ऐसे उठा दी। ये जो टेलीविजन का कैमरा है उसको आप वीडियो को देख लीजिए, मानिक टैगोर मांग लीजिए, मानिक टैगोर जी जरूर वेल में गए, मगर मानिक टैगोर जी ने कोई किसी पे हमला नहीं किया, उल्टा उन पे हमला हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं, डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। मैं आज दिल की गहराई से आपको गले लगाने आया हूं। आप लगातार कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आपने चीन के वुहान शहर की हालत के बारे में नहीं सोचा होगा। एक ऐसा शहर जहां दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फैला हुआ है, जो दुनिया की नजर में खलनायक बन चुका हो, वो शहर अपनी सबसे बड़ी आपदा के बीच किस कदर चुप है, ये दिखाने वाला एक वीडियो है। चाइना फाइल नामक ऑनलाइन मैगजीन ने एक स्थानीय फोटोग्राफर को वुहान शहर की ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा, और इसके बाद वुहान की खामोशी से भरी तस्वीरें सामने आई। वहां की सड़कों पर लोगों की आवाजाही न के बराबर है, बाजार सूने पड़े हैं, पूरे शहर में खालीपन, घबराहट, तनाव है। आपको याद दिला दें कि चीन में 31,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।